हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस अकाउंटिंग क्लासेस। एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है आरएस अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा सिलेबस पीडीएफ, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, सो प्लीज़ ज्वाइन इट। एंड आज के लेक्चर में हम टॉपिक्स कवर करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स, स्वीट इक्विटी शेयर्स, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बुक बिल्डिंग, एंट्रीज ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इलस्ट्रेशन टू। फर्स्ट टॉपिक इज इश्यू ऑफ शेयर्स। एक कंपनी के पास 3 मेथड्स होते हैं, वो इनमें से किसी भी मेथड को चूज कर सकती है अपने शेयर्स को इशू करने के लिए। सबसे पहले है फोरकैश बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, कि जो कंपनी है कैश के लिए अपने शेयर्स को इशू करेगी, लेकिन जो ये शेयर है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी, यहाँ पर वो प्राइवेटली ही उन शेयर्स को इशू कर देगी। सेकेंड इज़ फोरकैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, कि यहाँ पर अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए जो कंपनी है वो पब्लिक को इन्वाइट करेगी। थर्ड इज़ फोर कंसिड्रेशन अदर देन कैश। फर्स्ट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो कई बार क्या होता है कि जो पब्लिक कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको ट्रस्ट होता है कि वो कैपिटल को रेज कर सकते हैं अपने प्राइवेट सोर्सेज से एंड कॉन्टैक्ट से। इस केस में कंपनी क्या करेगी, पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, यहाँ पर वो प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी शेयर्स की। और किसको करेगी, प्रमोटर्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, और जो ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं उनको, म्यूचुअल फंड्स को, नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRIs को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, UTI, ICICI एसेट्रा। तो जब यहाँ पर कंपनी है वो पब्लिक को ऑफर नहीं कर रही, तो इस केस में कंपनी को कोई भी नीड नहीं है कि वो प्रोस्पेक्टस को इशू करे। जब वो प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं करेगी तो उसकी जगह पे प्रमोटर्स को रिक्वायर्ड होता है कि वो एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को तैयार करे, और उसका नेम क्या होगा, स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस। और ज़रूरी है कि इस ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार के पास अलॉटमेंट के 3 दिन पहले, 3 डेज पहले क्या करे, वो उसको रजिस्टर्ड करवाए। एंड फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो स्टेटमेंट और इन लियो प्रोस्पेक्टस होगा उस पर डायरेक्टर्स के, प्रपोज डायरेक्टर्स के, एजेंट्स के सिग्नेचर होंगे। और यहाँ पे जो कंपनी है जब प्राइवेट प्लेसमेंट करती है तो जिन जिन को प्राइवेटली शेयर्स को अलॉट किया गया है वो पर्सन 3 ईयर्स के लिए उन शेयर्स को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और उस जो 3 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है उसको लॉक इन पीरियड कहेंगे, कि हम जो भी हमारे शेयर होल्डर्स बन जाएंगे कंपनी के उनको 3 ईयर्स के लिए लॉक कर दिया जाएगा। वो मतलब उनको ना तो सेल कर सकते हैं और ना ही किसी और थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 3 साल के लिए जिनको हमने, जो कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं वही क्या रहेंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स रहेंगे। अब हम करते हैं स्वीट इक्विटी शेयर्स। स्वीट इक्विटी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स। स्वीट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है किसको, अपने एम्प्लॉयज़ को एंड डायरेक्टर्स को। और ये जो शेयर इशू किए जाएंगे वो डिस्काउंट पे किए जाएंगे या फिर कंसिड्रेशन अदर देन कैश भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो कंपनी है वो एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू क्यों करेगी, ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके कि जब कोई पर्सन है एज एन एम्प्लॉय इतना अच्छा काम कर रहा है, अगर उसको शेयर होल्डर्स बना दिया जाएगा तो वो प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने के लिए डबल एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस है कि स्वीट इक्विटी शेयर्स को हम कैसे इशू कर सकते हैं। जो हमारा सेक्शन 53 है वो एक कंपनी को प्रोहिबिट करता है कि वो डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू नहीं कर सकते, लेकिन जो सेक्शन 54 है वो परमिशन देता है कंपनी को कि वो स्वीट इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकती है, और ये शेयर्स डिस्काउंट पर इशू किए जाएंगे एम्प्लॉयज़ को और डायरेक्टर्स को। और इन शेयर्स को इशू करने के लिए कुछ प्रोविजंस हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज स्वीट इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो पास करना होगा, और इस रेजोल्यूशन में स्पेसिफाई करना होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स को, उनका करंट मार्केट प्राइस क्या है, कंसिड्रेशन क्या है, कोई भी क्लास या क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स जिनको इशू किए जा रहे हैं या फिर एम्प्लॉयज़ को।
उनके बारे में बताना पड़ेगा। और ये जो शेयर्स होंगे कंपनी, जैसे कंपनी की कमेंसमेंट को 1 ईयर हो जाना चाहिए उसके बाद ही, अगर 1 साल से कम टाइम पीरियड हुआ है कंपनी की फॉर्मेशन को तो वो स्वीट इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। मेन कंडीशन क्या है कि कंपनी अपने बिजनेस को कमेंस करते हुए 1 ईयर हो चुकी है, मोर देन 1 ईयर नेसेसरी है। और जो स्वीट इक्विटी शेयर्स होते हैं कंपनी के, उनको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना पड़ता है, और जो भी सेबी की गाइडलाइंस है, रूल्स रेगुलेशंस है, उन्हीं के अकॉर्डिंग इन शेयर्स को इशू किया जाएगा। थर्ड इज एम्प्लॉयड स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉयड स्टॉक ऑप्शन मीन्स द ऑप्शन राइट एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन। तो ये एम्प्लॉयज के लिए ही है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है एम्प्लॉयज को कि आप कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं या फिर नहीं। और ये किसको दिया जाएगा, जैसे होल टाइम डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज में इंक्लूड होंगे होल टाइम डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, इनको राइट मिल जाएगा। एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि इनको कंपनी के शेयर परचेज करने ही पड़ेंगे, बट एक ऑप्शन दिया गया है कि वो परचेज या सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर डेट में। और जो ये सिक्योरिटीज़ कंपनी को ऑफर की जाए, कंपनी के द्वारा ऑफर की जाएगी, वो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर ही होगी, और ये जो प्राइस होता है मार्केट प्राइस से कम रहेगा, यानी कि ये भी डिस्काउंट पर ही होगा। बट यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उनको राइट मिल गया है, अब उनकी मर्जी है, अगर वो परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो वो नहीं करेंगे। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है या फिर इम्पोर्टेंस क्या है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को इशू करने की, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंस्पायर द एम्प्लॉयज़ टू हैव अ हायर पार्टिसिपेशन इन द कंपनी। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करना है, उनको मोटिवेट करना है कि वो कंपनी में अपना जो पार्टिसिपेशन है वो उसको इंक्रीज करें। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज क्रिएट द लॉन्ग टर्म वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि लंबे टाइम के लिए जो एम्प्लॉयज़ के हाथ में आपने अपनी कंपनी की वेल्थ है उसको प्रोवाइड कर दिया, जिससे उस वेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ है वो अपनी जी जान लगा देंगे, क्योंकि वो अब क्या हो चुके हैं उस कंपनी के शेयर होल्डर्स। एंड थर्ड इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ मीन्स टू अट्रैक्ट रिटेन एंड मोटिवेट द गुड एंड एफिशियंट एम्प्लॉयज़ फॉर द कंपनी। एक ऑप्शन इसलिए भी है कि ये अट्रैक्ट कर सकता है, रिटेन जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको बना के रखेगा एंड उनको मोटिवेट करेगा, जो भी अच्छे और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अब जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करेगी, उसके लिए प्रोसेस क्या है। सो ये हमारी कंपनी है और यहाँ पे है पब्लिक, अब जो कंपनी है उसको क्या करना है, पब्लिक को अट्रैक्ट करना है कि वो उसके शेयर्स को सब्सक्राइब करे, उसके लिए अप्लाई करे। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टू इश्यू प्रोस्पेक्टस। जैसे स्कूल या कॉलेजेस में एडमिशन के टाइम पर प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो स्कूल में कॉलेज में एडमिशन ले, उस प्रोस्पेक्टस में क्या होगा, स्कूल के या कॉलेज के बारे में सारी डिटेल्स होंगे, स्कूल का नेम, प्रिंसिपल का नेम, वाइस प्रिंसिपल, चेयरमैन, और कमलत स्कूल में लैब, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, बस फैसिलिटी है, सो कैंटीन फैसिलिटी है, और कल्चरल एक्टिविटी पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स में आके है, एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इनकी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो अट्रैक्ट होके उस स्कूल में एडमिशन ले ले। सेम ऐसे ही जो कंपनी है वो एक प्रोस्पेक्टस को इशू करती है ताकि उस प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है वो बताई जाए पब्लिक को, फिर पब्लिक है उस प्रोस्पेक्टस को अच्छे से रीड करके वो डिसाइड कर सके कि हमें इस कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। सो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होगा, कंपनी का नेम, डायरेक्टर्स का नेम, कंपनी का हेड ऑफिस, डायरेक्टर्स के एड्रेसेस होंगे, एंड जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि उन्होंने सेबी से कंसेंट ली है, अथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए गए हैं पब्लिक को, किस टाइप के इक्विटी शेयर्स हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कितना रिस्क इन्वॉल्व है उन शेयर्स में,
और ओपनिंग डेट क्या होगी और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है उस प्रोस्पेक्टस में प्रोवाइड की जाएंगे. अब सेकंड स्टेप क्या होगा, टू रिसीव एप्लीकेशन. जो पब्लिक होगी वो प्रोस्पेक्टस को अच्छे से एनालाइज करेगी और उसके बाद डिसाइड करेगी उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना. अगर किसी भी जो भी पब्लिक है उनमें से जितने भी पर्सन्स होंगे अगर उनको अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन कैसे करेंगे, वो कंपनी एक स्केड्यूल बैंक को अपॉइंट करेगी. उस स्केड्यूल बैंक में जो पब्लिक होगी वो मनी को सेंड करेगी, एप्लीकेशन मनी को, और इस स्केड्यूल बैंक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी मेंशन कर दी गई होगी. थर्ड स्टेप इज टू मेक अलॉटमेंट्स. अब जो बैंक है वो क्या करेगा, अब वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा, उसको जैसे ही एक्सपायर डेट हो जाएगी यानी कि जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, उसके बाद जो बैंक होगा वो एप्लीकेशन मनी को सेंड कर देगा कंपनी को. और जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो तब तक अलॉटमेंट नहीं करेंगे जब तक उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हो जाता. अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो कंपनी को मतलब रिसीव होनी चाहिए ताकि वो अपने जो पर्पसेस हैं उनको पूरा कर सके. सो फर्स्ट पर्पस क्या होगा कि वो अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने कंपनी के बिहाफ पे कोई असेट को परचेज किया है तो उसकी वो पेमेंट कर सके, कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ है उसकी पेमेंट करने के लिए, और कंपनी ने अगर कोई लोन रेज करा है उस लोन के रीपेमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, और भी अदर पर्पजेज हो सकते हैं जिनके लिए मतलब जो अमाउंट है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए. और सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो इश्यूड प्राइस का 90% होगा. फॉर एग्जांपल कि अगर कंपनी 1 लाख शेयर्स के लिए 1 लाख शेयर्स को इशू करती है तो उसका 90% कितना होगा, 90,000. तो कम से कम 90,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया हो. अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता तो उस केस में जो कंपनी है वो शेयर्स को अलॉट नहीं करेगी. अगर वो शेयर्स को अलॉट नहीं करेगी फिर क्या करेगी, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था उसको पब्लिक को रिफंड कर देगी. और ये एप्लीकेशन मनी कब तक रिफंड करना होगा, जब एप्लीकेशन जो डेट क्लोज हुई थी एप्लीकेशन अप्लाई करने की, उसके बाद जो 15 डेज होते हैं 15 दिन के अंदर अंदर जो एप्लीकेशन मनी है वो रिफ़ंड करना पड़ेगा. अगर वो 15 डेज के अंदर जो कंपनी है वो रिफ़ंड नहीं करती, उसे डिले हो जाता है, फिर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. किस रेट से, 15% के रेट से, यानी कि जो एप्लीकेशन मनी है वो भी देगी प्लस में 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी देना होगा. अब जब कंपनी को अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाता है उसके बाद जो कंपनी है वो शेयर्स को अलॉट कर देगी, और शेयर्स को अलॉट करने के लिए जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट है वो इशू कर देगी शेयर होल्डर्स को. जिन शेयर्स होल्डर्स को शेयर्स अलॉट नहीं किए गए हैं उनको लेटर ऑफ रिग्रेट वो दिया जाएगा, और एप्लीकेशन मनी है वो भी रिफंड कर दी जाएगी चेक के थ्रू. अगला स्टेप क्या होगा, टू मेक कॉल्स. अलॉटमेंट करने के बाद जो कंपनी है उसके पास ऑप्शन है कि वो सारा पैसा या तो वो एप्लीकेशन के टाइम पे ही मंगवा सकती है या फिर अलॉटमेंट के टाइम पे कंप्लीट कर सकती है. अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो वो क्या कर सकती है, कॉल्स में भी जो अमाउंट है शेयर्स का वो उसको कॉल्ड अप कर सकती है, और जो कॉल्स होंगे जैसे फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, ये सब. और जब भी कॉल मंगवाई जाएगी उसमें 25% से जो अमाउंट है वो हमेशा कम रहेगी. जैसे 100 रुपीज़ का शेयर है ना, तो उसका 25% यानी कि 25 रुपीज़ जो कॉल्स का अमाउंट होगा वो 25 रुपये से कम रहेगा, और जो एप्लीकेशन मनी होगी वो 25% के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा रहेगी. 25% से कम नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन मनी. जो अलॉटमेंट है कॉल्स है वो 25% से कम रहेंगे, और जो दो कॉल्स के बीच में टाइम पीरियड होगा इनके 1 मंथ का कम से कम गैप होना चाहिए, और शेयर होल्डर्स को 14 डेज 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा कि जो आपको कॉल्स है उसकी पेमेंट करनी है. उस कॉल लेटर में इंफॉर्मेशन देनी होगी कि जो कॉल मनी है कितना बनता है,
किस मोड के थ्रू जो मनी है उसको रिमीट करना होगा, मनी को भेजना होगा, और लास्ट डेट क्या है कॉल मनी को सेंड करने के लिए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर टर्म्ड एज द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम पर अकर्ड हुए थे, और इनमें कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे, उन डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन में, प्रिंटिंग में जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में। ऐसे ही जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी लगी है वो भी इसका पार्ट होगी, और जो ऑथोराइज्ड कैपिटल ड्यूटी पे करी है वो भी, और जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए थे प्रिपरेशन करने में, प्रिंटिंग करने में और प्रोस्पेक्टस को इशू करने में, जो प्रोस्पेक्टस था जो पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इशू किया जाता है, तो उसकी जो प्रिपरेशन में, प्रिंटिंग में, इशू में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी किसका पार्ट होंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का। अगर कंपनी है वो एक रनिंग बिजनेस को परचेज करती है, तो जो रनिंग बिजनेस होगा उसकी असेट एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यूएशन के लिए एक अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाएगा, या फिर एक पर्सन को जो असेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यूएशन करेगा, उसके द्वारा जो भी फी चार्ज की जाएगी वो भी किसका पार्ट होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है उसमें कहा गया है कि जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे उनको रिटर्न ऑफ किया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नहीं है, उसकी एब्सेंस है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उनको राइट ऑफ करना पड़ेगा। बुक बिल्डिंग, सो आज के टाइम में क्या है कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस का यूज़ करती है इक्विटी शेयर्स को, मतलब मार्केटिंग के लिए, पब्लिक ऑफर के लिए। जो बुक बिल्डिंग है वो एक कॉमन प्रैक्टिस है, ज़्यादातर ये मोस्ट डेवलप कंट्री है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन आज के टाइम में जो इंडियन कैपिटल मार्केट है वहाँ पर भी बुक बिल्डिंग प्रोसेस को यूज़ किया जा रहा है पब्लिक को ऑफर करने के लिए। इस प्रोसेस के अंडर क्या होगा, जो भी शेयर्स का इश्यू प्राइस होगा उसको डिटरमाइन किया जाएगा डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से, जो कैपिटल मार्केट में कि उस शेयर्स की डिमांड क्या है और उसकी सप्लाई कितनी है, उसके हिसाब से जो भी प्राइस होगा वो सेट किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो बिड्स हैं, जो बोली हैं, वो इनवाइट की जाएगी इन्वेस्टर की तरफ से, और ये अलग अलग प्राइसेस पे जो बोलियाँ लगाई जाएंगी, और जो इश्यू प्राइस होगा वो इशूइंग कंपनी के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा किस बेसिस पर जो भी बिड्स रिसीव्ड हुई हैं, और फिर जो डिमांड और सप्लाई के और जो वेरियस लेवल है प्राइसेस का, उनकी केयरफुल इवेल्यूएशन के बाद, अच्छे से जो कंपनी है उसको इवेल्यूएट करेगी, उसके बाद ही वो प्राइस का जो लेवल होगा उसको सेट करेगी। जो इश्यू प्राइस होगा वो फिक्स्ड किया जाएगा आफ्टर बिड क्लोजिंग डेट, जब जो बिड की लास्ट डेट है उसके क्लोज होने के बाद ही जो प्राइस है उसको फिक्स्ड किया जाएगा। और एक बार जो प्राइस फिक्स्ड हो गया, उसके बाद जो एप्लीकेंट है जिन्होंने उस शेयर के लिए अप्लाई किया था उस प्राइस पर या फिर उससे हायर प्राइसेस पर, उनको जो शेयर्स है वो अलॉट कर दिए जाएंगे फिक्स्ड प्राइस पर। सो यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो इश्यू प्राइस को पहले से मेंशन करे, क्योंकि जो प्राइस होगा वो बिड की क्लोजिंग डेट के बाद ही फिक्स किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी है वो फ्लोर प्राइस को यहाँ पर मेंशन कर सकती है। फ्लोर प्राइस कौन सा प्राइस होता है, ये मिनिमम प्राइस होता है कि इससे नीचे, इस प्राइस से नीचे बिड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और सेबी की गाइडलाइन 2000 के अकॉर्डिंग जो शेयर्स हैं वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंडर इशू हो सकते हैं टू मैनर्स में। फर्स्ट क्या है कि जो 100% है नेट ऑफर जो पब्लिक को किया गया था थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस के, या फिर जो 75% है नेट ऑफर थ्रू द बुक बिल्डिंग एंड 25% एट द प्राइस डिटरमाइंड थ्रू द बुक बिल्डिंग। स्टेप्स इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस,
तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो इश्यूअर कंपनी है वो एक लीड मैनेजर को अपॉइंट करेगी और उसको हम बुक रनर कहेंगे। जो बुक रनर है वो क्या करेगा, सेकंड स्टेप में एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है उसको प्रिपेयर करेगा। उस ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में इश्यू प्राइस है वो तो मेंशन नहीं होगा, लेकिन जो अदर पर्टिकुलर्स हैं जैसे साइज़ ऑफ इश्यू, कंपनी की पास्ट हिस्ट्री, फ्लोर प्राइस, प्राइस बैंड, इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बताई जाएगी। फ्लोर प्राइस हम कर चुके हैं, फ्लोर प्राइस मिनिमम प्राइस होता है कि इससे नीचे कंपनी है वो बिड्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो थर्ड स्टेप होगा, जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस होगा उसको फाइल करना पड़ेगा सेबी के पास। जो बिड पीरियड है वो डिटरमाइन किया जाएगा और जो अवेयरनेस कैंपेन, जो कैंपेन होते हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे बुक रनर के द्वारा, और इन कैंपेन को कंडक्ट करने के लिए वो यूज़ कर सकता है एडवर्टीजमेंट का, रोड सोर्स का। एंड अंडरराइटर इज अपॉइंटेड। अगला स्टेप क्या होगा कि अंडरराइटर को अपॉइंट किया जाएगा। अंडरराइटर कौन होता है, एक पर्सन होता है जो कंपनी के सभी शेयर्स को पहले खुद परचेज करेगा, उसके बाद वो पब्लिक को उनको सेल करेगा। सो यहाँ पे कंपनी को थोड़ा सा मतलब कि या तो जो मनी है उसकी रिक्वायरमेंट है, या फिर कंपनी को अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि वो पब्लिक को सारे के सारे शेयर है वो सेल कर देगी, इसलिए वो एक अंडरराइटर को अपॉइंट करती है कि जो अंडरराइटर होगा कमीशन के बदले में कंपनी के सारे शेयर्स को मार्केट रेट से कम रेट पर उनको परचेज कर लेगा और उसके बाद वो पब्लिक को इशू करेगा। जो कॉपीज़ होंगे ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस की वो सर्कुलेट की जाएंगी बुक रनर के द्वारा, किस किस को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, जैसे कि UTI, LIC, GICI, ये सब। जो बुक रनर है वो एक रिकॉर्ड बुक को मेंटेन करेगा। उस रिकॉर्ड बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा, वो बिड प्राइसेस को और जो भी क्वांटिटी है, किस कितनी कितनी क्वांटिटी में अलग अलग इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया। जब बिड पीरियड क्लोज हो जाएगा उसके बाद जो बुक रनर है, इशूइंग कंपनी है, वो इश्यू प्राइस को डिटरमाइन करेगी। नेक्स्ट स्टेप इज वंस द प्राइस इज डिटरमाइन। जब एक बार प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा उसके बाद जो भी एप्लीकेंट है जिन्होंने उस प्राइस पर या उससे ज़्यादा प्राइसेस पर अप्लाई किया था, उनको जो शेयर्स हैं वो फिक्स्ड प्राइस पर अलॉट कर दिए जाएंगे। एडवांटेजेस क्या है बुक बिल्डिंग प्रोसेस की, जो इश्यू प्राइस है शेयर्स का वो रियलिस्टिक होता है, फेयर होता है, क्योंकि ये कंपनी ने खुद डिसाइड नहीं करा, ये डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन किया गया है। और ये हेल्प करता है फास्ट एंड अश्योर्ड कलेक्शन ऑफ फंड, कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आप जल्दी से और आपको जो फंड की कलेक्शन है वो अश्योर हो जाते कि मिल ही जाएगी। और ये हेल्प करता है जो भी इश्यू एक्सपेंसेस होते हैं उनको सेव करने में, उनको बचाने में, कम करने में। और यहाँ पे फेलियर का कोई मतलब रिस्क ही नहीं होता कि जो आपका इशू है वो फेल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी है वो मार्केट से अपने सिक्योरिटीज़ को, अपने शेयर्स को विड्रॉ भी कर सकती है अगर उसकी सिक्योरिटी की जो डिमांड है वो इनफ नहीं है, मतलब डिमांड है ही नहीं मार्केट में, तो अपनी सिक्योरिटीज़ को विड्रॉ कर लेगी। लिमिटेशंस क्या हैं बुक बिल्डिंग की, फर्स्ट इज ये सूटेबल होता है फॉर द मेगा इशू ओनली। अगर कंपनी को लार्ज नंबर में अपने शेयर्स को इशू करना है तो वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकती है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उसको नंबर ऑफ शेयर्स कम ही है तब वो इस प्रोसेस को फॉलो करे तो थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी। इशूइंग कंपनी मस्ट बी रेप्यूटेड एंड वेल नोन टू द इन्वेस्टर्स। जो इशूइंग कंपनी है वो रेप्यूटेड होनी चाहिए, उसकी इमेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि तभी जो इन्वेस्टर है वो हाई बिड पर शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। अब हम करते हैं एंट्री जोन इश्यू ऑफ शेयर्स। सो हमने जो स्टेप्स पढ़े थे कि फर्स्ट स्टेप होगा प्रोस्पेक्टस इशू करना, फिर एप्लीकेशन मनी को रिसीव करना, फिर अलॉटमेंट एंड फिर कॉल्स। सो यहाँ पे कंपनी है और यहाँ पे जो हमारी पब्लिक है, तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या किया था हमने, प्रोस्पेक्टस इशू किया था। उसके बाद पब्लिक ने प्रोस्पेक्टस को रीड करने के बाद स्केड्यूल बैंक में जो एप्लीकेशन मनी है उसको सेंड किया। सो हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने से होगी। जब एप्लीकेशन मनी को रिसीव किया जाएगा तो क्या होगा, जो एप्लीकेशन मनी है वो किसने रिसीव करी, बैंक ने, और बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट। जो रिसीव करता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। और ये जो अमाउंट है वो किस नेम से आया है, शेयर एप्लीकेशन।
अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन का टाइप है हम वो भी मेंशन करेंगे, इक्विटी शेयर है तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर है तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। सो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। अब जो कंपनी है जब एप्लीकेशन के टाइम पे वो चेक करेगी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसको मिला है कि नहीं, फिर क्या करेगी, जो एप्लीकेशन मनी होगी उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर एंट्री बन जाएगी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कि हमने जो एप्लीकेशन अकाउंट है उसको क्लोज कर दिया और उसको किस में ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट में। और वैसे भी जो कैपिटल है उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। सो एंट्री में हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद जो थर्ड एंट्री होगी वो क्या रहेगी, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की। और अलॉटमेंट को जब हम ड्यू करेंगे तो एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेम वही एंट्री है जैसे हमने एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया था, बट यहाँ पे फ़र्क क्या है कि एप्लीकेशन के टाइम पे सबसे पहले मनी रिसीव होता है, उसके बाद उसको हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा तो सबसे पहले अलॉटमेंट को ड्यू किया जाएगा, यानी कि उस अलॉटमेंट को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट मनी है उसको रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट मनी को रिसीव करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सेम ऐसे ही अगर कंपनी ने जो सारा पैसा है वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में रिसीव नहीं करा तो वो कॉल्स में भी रिसीव कर सकती है। अगर फर्स्ट कॉल हुई तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सबसे पहले ड्यू की एंट्री बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल को ड्यू करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल मनी है उसको रिसीव करेंगे, और मनी को रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेम ऐसे ही अगर कंपनी है वो सेकंड कॉल या फाइनल कॉल को भी अगर करती है, कॉल्ड अप करती है, तो एंट्री बन जाएगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जो कंपनी है अगर वो शेयर इशू के टाइम पर एक्सपेंसेस करती है, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, तो इसका रूल अप्लाई हो जाएगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। सो एंट्री बन जाएगी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जो एक्सपेंसेस की पेमेंट कैश में करोगे या बैंक से करोगे तो टू बैंक अकाउंट, कि पैसा हमारे पास से चला गया, पेमेंट होगी। फिर जो अगली एंट्री है कि जो शेयर इशू एक्सपेंसेस थे उनको हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो एंट्री बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस थे वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो हमारा थर्ड मेथड है कि यहाँ पे जो शेयर्स है ना वो कैश के लिए नहीं, कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा हम जो शेयर्स को इशू करते हैं। जो इस टाइप के शेयर्स होंगे, मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले, वो प्रमोटर्स को, डायरेक्टर्स को, वेंडर्स को इशू किए जाएंगे। प्रमोटर्स को इशू किए जा सकते हैं, अब जो प्रमोटर ने अपनी सर्विस दी है कंपनी को, उसको सैलरी या कमीशन देने की जगह पे उसको शेयर्स इशू कर दिए गए। जो प्रमोटर का जो एक्सपेंस होता है वो कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस में आ जाएगा। यहाँ पर आप इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट कर सकते हो या फिर फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो, और टू हो जाएगा शेयर कैपिटल। अगर जो कंपनी है वो शेयर इशू करती है वेंडर को, तो वेंडर कौन होता है, वेंडर होता है सेलर या फिर वो पर्सन जिससे कंपनी ने असेट को परचेज किया। सो पहली एंट्री हो जाएगी असेट को परचेज करने की, तो एंट्री बन जाएगी असेट अकाउंट डेबिट, कि जो कंपनी के पास असेट्स हैं वो आ गई, और टू हो जाएगा वेंडर।
सो यहाँ पे वेंडर को कैश में पेमेंट करने की बजाय हमने क्या कर दिया, कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए। सो एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वेंडर यहाँ पे रिसीवर है और वेंडर पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, और टू हो जाएगा शेयर कैपिटल। अगर हम कैश में पेमेंट करते तो एंट्री हो जाती वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, बट यहाँ पे कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, शेयर्स इशू करती है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन सेकंड। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 4 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। सो एक्स लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट करी है 4 लाख शेयर्स के लिए और एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। पेमेंट्स वर टू बी मेड एज फॉलो, जो पेमेंट होगी कैसे हो रही है, 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, सारे के सारे शेयर्स है मतलब पब्लिक ने उनके लिए अप्लाई कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, अज्यूमिंग दैट ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड। सो हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करनी है, लेजर अकाउंट बनाने हैं और कंपनी की ओपनिंग बैलेंस शीट है उसको बनाना है, और ये अज्यूम करना है कि कंपनी को जो अलॉटमेंट्स है, कॉल्स है, रिसीव हो चुकी हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 60,000, तो 60,000 के यहाँ पर शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं। 20,000 फुल्ली पेड शेयर्स वर ऑल्सो इशूड टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज, 20,000 के जो फुल्ली पेड शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स को इशू किए गए हैं जो उन्होंने अपनी सर्विस दी थी उसके बदले में। तो सबसे पहले हमारी एंट्री बनेगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, और उसकी क्या एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे जो शेयर का टाइप मेंशन नहीं है कि ये इक्विटी शेयर है या फिर प्रेफरेंस शेयर है, तो जब टाइप मेंशन नहीं होता ज़्यादातर हम इक्विटी शेयर लेते हैं, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 लाख शेयर्स हैं, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 4 लाख की मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, 12 लाख, 12 लाख आ जाएंगे। जो सेकेंड एंट्री होगी वो एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की, फिर एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट सेम आ जाएगा 12 लाख। जो नेक्स्ट एंट्री है वो बनेगी अलॉटमेंट की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे, एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट आ जाएगा 4 लाख मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि 2 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, यहाँ आ जाएंगे 8 लाख। फिर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की, और मनी को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 8 लाख। फिफ्थ एंट्री होगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, और फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड अमाउंट आ जाएगा 4 लाख मल्टीप्लाई 3, 12 लाख। सिक्स एंट्री हो जाएगी फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, एंड अमाउंट आ जाएगा 12 लाख।
नेक्स्ट एंट्री बनेगी फाइनल कॉल को ड्यू करने की, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट आ जाएगा 4 लाख मल्टीप्लाई टू 8 लाख। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी फाइनल कॉल मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, अमाउंट सेम आ जाएगा 8 लाख। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस से रिलेटेड, एंट्री हो जाएगी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड अमाउंट आ जाएगा 60,000। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे इस शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट चार्ज करने की, किसमें से चार्ज करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। अमाउंट आ जाएगा 60,000। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे 20,000 जो फुल्ली पेड शेयर इशू करे थे प्रमोटर्स को, तो प्रमोटर को जो शेयर इशू किए जाते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट कर दिया, शेयर इशू करे हैं तो शेयर टू शेयर कैपिटल। 20,000 शेयर हैं, 10 रुपीज का ईच है, 2 लाख। जनरल एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, अब हम बनाएंगे लेजर्स अकाउंट। जो लेजर है वो हर एक अकाउंट बनेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट बनेगा, एप्लीकेशन अकाउंट बनेगा, अलॉटमेंट अकाउंट बन जाएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट, सॉरी फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट। सो मैं आपको एक अकाउंट बना के दिखा देती हूँ, आप सेम ऐसे ही जो बाकी के अकाउंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर लेना। हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। सो लेजर के बनाने का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये डेबिट साइड होगी एंड ये हमारी क्रेडिट साइड होगी। अब जो भी हमने एंट्रीज करी है उनमें हमने देखना है कि बैंक किस किस एंट्री में डेबिट है और किस में क्रेडिट है। जिस एंट्री में बैंक डेबिट होगा वो बैंक के डेबिट साइड ही पोस्टिंग होगी, लेकिन किससे, जिसको क्रेडिट किया गया है। जैसे सबसे पहले हमारी एंट्री हुई थी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, क्या एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक यहाँ पर डेबिट है तो बैंक के डेबिट साइड आएगा, लेकिन किससे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से, एंड अमाउंट आ जाएगा 12 लाख। सेम ऐसे ही जो हमने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो बैंक के डेबिट साइड आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ऐसे ही फर्स्ट कॉल आ जाएगी और ऐसे ही फाइनल कॉल। और फिर हमने यहाँ पे शेयर इशू एक्सपेंसेस की जो एंट्री करी थी तो बैंक को हमने क्रेडिट किया था, एंट्री हुई थी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक यहाँ पे क्रेडिट है, सो क्रेडिट साइड पोस्टिंग हो जाएगी बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस से, एंड अमाउंट आ जाएगा 60,000। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो डेबिट साइड का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन या फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन। डेबिट साइड ज़्यादा हुई तो क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्रेडिट साइड ज़्यादा हुई तो डेबिट साइड आ जाएगा टू बैलेंस ब्रोड कैरी डाउन। फिर जो हमने लास्ट में बनानी है, जब हमारे सारे लेजर्स अकाउंट बन जाएंगे फिर हमने बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर्स नोट नंबर करंट ईयर फिगर एंड प्रीवियस ईयर फिगर।
यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर का, यहाँ पे आ जाएगा नोट नंबर, यहाँ पे आ जाएगा जो करंट ईयर की फिगर थी और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के। सबसे पहले जो हमारा हेड बनेगा वो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का हो जाएगा और उसके अंदर आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड और फिर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। फिर हम इसको यहाँ पे मतलब इतना बना के इसको छोड़ देंगे और फिर हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अथोराइज्ड कैपिटल। अब क्वेश्चन में अथोराइज्ड कैपिटल गिवन नहीं है, इश्यूड कैपिटल है। सो हमारी यही अथोराइज्ड इश्यूड सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। तो शेयर्स के लिए सभी ने कम्प्लीटली सब्सक्राइब किया है, सो एक ही हम लिख सकते हैं अथोराइज्ड इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। सो जो पब्लिक को अप्लाई किए थे 4 लाख शेयर्स और जो 20,000 थे वो हमने प्रमोटर्स को इशू किए थे 4 लाख प्लस में 20, सो ये हो जाएगा 4,20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। सो यहाँ पे आ जाएगा 42 लाख और यही जो अमाउंट है वो कहाँ आ जाएगी शेयर कैपिटल में 42 लाख। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आज आपको जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।